YouTube के चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। जो अभ्यर्थी इस चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक पहुंच जाए। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो TET और STT उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आंदोलन पर जो मुख्यमंत्री का ये नया लेटर आया है, देख सकते हो आप, परिवर्तनकारी प्रतिबिंब शिक्षा सदन बिहार प्रदेश का है। ठीक है, और इसकी डेट देख सकते हो आप 22/1/2021 है, मतलब कल की है। ठीक है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, इसमें क्या बोला है, इसका विषय डाला है अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर TET और STT उत्तीर्ण शिक्षा अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर संज्ञान लेने उनकी नियुक्ति प्रति अविलंब करने के संदर्भ में ये विषय डाला गया। और इसमें देख सकते हो मुख्यमंत्री ने क्या बोला है, इसमें मुख्यमंत्री ने बोला है TET और STT उत्तीर्ण शिक्षा अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान उनके द्वारा गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए जाने पर पुलिस द्वारा अभद्रतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया है और उनकी टेंट को तोड़कर उनको खदेड़ दिया गया है। ठीक है, ये बताया गया है इस लेटर में। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने बोला है कि आप देख सकते हैं आंदोलन शिक्षक अभ्यर्थी राज्य के मेघवीय मानवीय संसाधन है। ठीक है, जिनकी काफ़ी मेहनत और लगन के पश्चात TET और STT की कठिन परीक्षा में सफलता पाई है। ठीक है, इनकी प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ऐसी प्रतिभा सम्मान सदन का राज्य की उन्नति प्रगति में सदुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सम्मान देने और इनकी प्रतिभाओं को सहेजने के बावजूद बदले अभद्रतापूर्वक तरीके से इन पर लाठी चार्ज किया गया। ठीक है, ये बताया गया है। और इसमें इन्होंने बोला है राज्य की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पंचायती स्तरीय विकेंद्रीकरण एवं नियुक्ति प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की भूमिका संबोधित कर देने के कारण शिक्षा विभाग में पदाधिकारी नियुक्तियां प्रक्रियाओं को सम्मान पूर्वक करा पाने में असहाय महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने फिर स्थिति के इस आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों साथ सामान्य वर्ताव कर प्रशासनीय नियंत्रण और निगरानी में अतिशीघ्र दर्दपूर्णक, ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य की खाली लाखों शिक्षा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, ठीक है, हो सके, इसमें शिक्षक बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। ठीक है, इसमें अनुरोध किया है उन्होंने कि आंदोलनकारी शिक्षा भर्तियों से प्रत्येक सम्मानजनक कर इनकी शीघ्र नियुक्ति हेतु यथोचित कार्रवाई करेंगे एवं इनके ऊपर अभद्रता तरीके से लाठीचार्ज करने और पुलिस पदाधिकारियों के विरोध कर कार्रवाई करने की कृपा करें। ठीक है, ये लेटर जारी हुआ है जो आप देख सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री ने यही कहा है। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थियों से यह कि अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो अगली न्यू वीडियो आए इसी विषय में तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।